दोस्तों गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, ऐसे में बिना एसी के तो हालत खराब हो जाती है, और एसी चलाए तो बिजली का बिल भरते भरते हालत खराब हो जाती है। ये भगवान क्या जुलूम है। अब ऐसे में करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। तो दोस्तों ऐसी विकट परिस्थिति में सोलर सिस्टम आपका एकमात्र समाधान है। एक सोलर सिस्टम लगाकर आप अपने बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कम पैसों में एक अच्छा सोलर लगवाए कैसे। दोस्तों आपने सुना होगा कि घर पे सोलर लगवाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। MNRE के अकॉर्डिंग ये सब्सिडी 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 से लेकर 10 किलोवाट पर 78,000 पे सरकार ने फिक्स कर रखी है। लेकिन दोस्तों ये सब्सिडी केवल रेजिडेंशियल लोगों के लिए है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलती। और इस सब्सिडी में भी एक और कंडीशन है, ये सब्सिडी आपको तभी मिलती है जब आप एक DCR सोलर पैनल इंस्टॉल कराते हैं, वो भी एक अप्रूव्ड वेंडर के थ्रू। अब ये DCR सोलर पैनल क्या होता है और सोलर सब्सिडी के साथ लगवाएं या बिना सब्सिडी के, तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ये DCR सोलर पैनल क्या है। DCR यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये वो सोलर पैनल है जिनका मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही हुई है, यानी जो सोलर पैनल मेड इन इंडिया है। इसका मतलब आपको सोलर पे सब्सिडी सिर्फ मेड इन इंडिया पैनल पर ही मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे थे कि आप चाइनीज सोलर पैनल या कोई भी कोरियन सोलर पैनल लगाकर सब्सिडी ले सकते हैं, तो ये ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों अभी मार्केट में दो तरह के सोलर पैनल है, एक DCR एक नॉन DCR। जैसा कि हमने अभी बताया, DCR पैनल वो पैनल होते हैं जो मेड इन इंडिया है, और नॉन DCR वो पैनल्स होते हैं जो इंडिया में नहीं बने हैं। अब आपके लिए कौन सा पैनल बेनिफिशियल है, एक DCR या एक नॉन DCR सोलर पैनल? तो देखिए दोस्तों DCR या नॉन DCR सोलर पैनल दोनों ही टेक्नोलॉजी वाइज बिल्कुल सेम पैनल होते हैं। इन दोनों की ही आउटपुट बिल्कुल सेम ही मिलेगी आपको। इनको देखने से आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा पैनल DCR है या कौन सा नॉन DCR। अब कौन सा पैनल DCR है ये पता लगाया जा सकता है उसके DCR सर्टिफिकेट से, जो कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर इशू करके देता है। दोस्तों एक DCR सोलर पैनल एक नॉन DCR सोलर पैनल की कंपैरिजन में महंगा होता है, वो भी कोई 1-2 रुपए वॉट नहीं बल्कि 6 रुपए पर वॉट। इसका मतलब आज अगर आप एक 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेते हैं तो उसमें नॉन DCR पैनल आपको 6,000 रुपए सस्ता पड़ेगा। वहीं अगर बात करें एक DCR पैनल की तो आपको वो 6,000 रुपए महंगा मिलेगा। अब हमें कौन सा सोलर पैनल लगवाना चाहिए, क्या ये महंगा पैनल लेना हमारे लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये महंगा पैनल हमें सस्ता पड़ता है, क्योंकि सरकार आपको इन DCR पैनल पे सब्सिडी देती है और एक नॉन DCR पैनल पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती। और ये DCR पैनल सब्सिडी के साथ एज पर स्टैंडर्ड लगाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें अप्रूव्ड वेंडर ही इंस्टॉल करते हैं। तो ये सिस्टम लगवाने पे आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी और आपका सिस्टम एज पर स्टैंडर्ड ही लगाया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एक नॉन DCR पैनल की, तो इसके लिए कोई भी वेंडर लीगली बाउंड नहीं होता है कि वो एज पर स्टैंडर्ड आपके सिस्टम को आपके घर पे इंस्टॉल करे, जिसके कारण आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। दोस्तों आज मार्केट में 16 बस बार तक के सोलर पैनल अवेलेबल हैं, जिनकी एफिशिएंसी आपके DCR पैनल से ज्यादा होती है, क्योंकि DCR पैनल अभी तक सिर्फ 10 बस बार तक के ही बने हैं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो सब्सिडी के साथ DCR पैनल लगवाना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सब्सिडी के बाद आपको सस्ता भी पड़ेगा, प्लस में ये सिस्टम एज पर स्टैंडर्ड ही लगाया जाएगा और आपके साथ फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी कम से कम है। अब जानते हैं कौन कौन सी कंपनीज के DCR सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों जो आप ये लिस्ट देख पा रहे हैं, ये सारी कंपनीज DCR सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करती हैं। इस लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप गवर्नमेंट की वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाकर भी देख सकते हैं। इन सभी कंपनी में से आप किसी भी कंपनी का सोलर पैनल लगवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सोलर से जुड़ी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।